आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि ओबीसी आरक्षण बिल के विरोध में बीजेपी है, और संजय सिंह ने कहा कि सदन में जब उन्होंने ओबीसी आरक्षण का समर्थन किया तो बीजेपी ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दी। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी पिछड़ों के हितैषी है और इनकी नीयत साफ है, तो ओबीसी आरक्षण बिल पास किया जाए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार और बीजेपी सांसदों पर हमला बोला। आपके सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ओबीसी आरक्षण बिल की विरोधी है। सदन में मैंने इस बिल का समर्थन किया तो बीजेपी ने मुझे जेल भेजने की धमकी दी। संजय सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी पिछड़ों की हितैषी है और इनकी नीयत साफ है तो ओबीसी आरक्षण बिल पास कराएं। ये बिल पिछड़े समाज के हित में है। उन्होंने बीजेपी को दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, युवाओं और महिलाओं का विरोधी बताया। कहा कि सपा सांसद द्वारा ओबीसी आरक्षण बिल रखते ही बीजेपी बौखला गए और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में विपक्ष के साथ बदसलूकी और दादागिरी करने लगे। देश के सर्वोच्च सदन में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में जो कुछ भी किया वो अत्यंत शर्मनाक है, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्ता पक्ष की दबंगई को प्रदर्शित करता है। संजय सिंह ने कहा कि देश के सर्वोच्च सदन में मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में बीजेपी के सांसदों ने जो किया वो अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सत्ता पक्ष की दबंगई को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए हैं और ओबीसी का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाए। इस बिल के आते ही बीजेपी आग बबूला हो गई। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि इस देश के सदन में कैसे ओबीसी का आरक्षण उनकी संख्या के आधार पर दिया जाए, इस पर चर्चा हो सकती है। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान एक बिल लेकर आते हैं कि ओबीसी का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाए। यह उनका बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि पिछड़े वर्ग की जितनी संख्या है उसके हिसाब से उनको ओबीसी का आरक्षण दिया जाए। इस बिल के आते ही भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो जाती है। संजय सिंह ने कहा कि जब भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक की बात होगी आम आदमी पार्टी उनकी आवाज उठाएगी। इस दौरान उन्होंने देश के हाईकोर्ट नियुक्त जजों और केंद्रीय विश्वविद्यालय में एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांगों के खाली पदों के आंकड़े भी सामने रखे। प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।